हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के सीरीज़ को, चैप्टर 3 का। और आज हम इस चैप्टर 3 में द दिल्ली सुल्तान्स के नेक्स्ट सब टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द मस्जिद। तो मस्जिद क्या है, मस्जिद से रिलेटेड सारे पॉइंट्स और कौन कौन से मस्जिद जो है दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में बनाए गए, आइए इन्हें पढ़ते हैं आपके बुक से। तो गोइंग बैक इनसाइड योर बुक। यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इसमें मस्जिद। तो मस्जिद क्या है, ये दिल्ली सल्तनत की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर्स, जो है मॉन्यूमेंटल डेवलपमेंट जो हुआ था उनमें, उन लोगों ने मस्जिद बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में आकर बनाया। तो कौन कौन से मस्जिद बनाए, क्या है, ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही साथ जो लोग CTET के लिए प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए तो ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा मॉन्यूमेंट किसने बनाया ये याद रख पाना तभी संभव है जब हम CTET के लिए NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। तो NCERT टेक्स्ट बुक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके एक एक पार्ट को स्टडी करना, एक एक लाइन को स्टडी करना CTET के प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से जानेंगे अबाउट द क्वात अल इस्लाम मॉस्क के बारे में। तो क्वात अल इस्लाम मस्जिद जो है एंड मिनारेट जो है बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th century। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आजकल, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन डेट या ईयर डायरेक्ट लिखकर नहीं पूछा जाता है, बस की वैल्यू बेस्ड वे में पूछा जाता है, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है। So, क्वात अल इस्लाम मॉस्क जो है या मिनारेट जो है ये कब जो बिल्ट किया गया, तो ये बनाया गया आपका 12th सेंचुरी के जो है लास्ट टाइम पे। एंड दिस वाज द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय द दिल्ली सुल्तान्स। तो ये सबसे पहली जो है सिटी कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क जो है वो दिल्ली सुल्तान्स ने बनाई थी। एंड इट डिस्क्राइब्स इन वेयर, अब इसके बारे में कहाँ से हमें पता चलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इनके बारे में पता कहाँ से चलता है। क्वातल इस्लाम के बारे में पता चलता है दिल्ली ए कुहाना, तो दिल्ली ए कुहाना एक क्रॉनिकल है। सो यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज दिल्ली ए कुहाना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज दिल्ली ए कुहाना। तो दिल्ली ए कुहाना क्या है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो दिल्ली ए कुहाना क्या है, एक क्रॉनिकल है। और ये क्रॉनिकल कहाँ की है, किसके बारे में पता चलता है, इस क्रॉनिकल से क्वातल इस्लाम मस्जिद के बारे में पता चलता है। एंड द मॉस्क, इस मॉस्क को किसने इनलार्ज किया, तो इस मॉस्क को इनलार्ज करने का काम किया इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खलजी ने। इस मॉस्क को किसने इनलार्ज किया, इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खलजी ने किया। एंड द मीनार वॉज बिल्ट बाय 2 सुल्तान्स, और यहाँ पर जो मीनार है इस मीनार को 2 सुल्तान्स ने मिलकर के बनाया, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। यानी एक की कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल पहले तो स्टार्ट किया गया, उसके बाद इसके चारों तरफ एक्सपेंशन किया गया। तो जब मस्जिद से शुरू किया, तो सबसे पहले हम ये जाने कि मस्जिद टर्म है क्या एक्चुअली। सो द मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। तो मॉस्क जो कि जिसे हम अरेबिक में क्या कहते हैं, अरेबिक में हम इसे मस्जिद के नाम से जानते हैं, ये एक अरेबिक शब्द है। एंड लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह, जहाँ पर मुस्लिम लोग जो है अल्लाह के रेवरेंस में जाकर, जिस तरह से हिंदू धर्म संस्कृति में पूजा पाठ होती है, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, तो ठीक इस तरह से मुस्लिम लोग जो है वो मस्जिद में जाकर अपनी नमाज अदा करते हैं, अपने भगवान के लिए प्रेयर करते हैं। सो इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद, ये दो मस्जिद का नाम आप याद रखिए, ये एक ही है, मस्जिद ए जामी या फिर जामा मस्जिद जो है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि इन सारे मस्जिद में लोग जाकर नमाज अदा करते हैं। तो नमाज क्या है, नमाज मीन्स प्रेयर। तो यहाँ से एक मीनिंग आपका और आपको लिखना है, नमाज का मीनिंग क्या है। सो नमाज मीन्स व्हाट, नमाज मीन्स प्रेयर, नमाज का मतलब हो गया आपका प्रेयर। एंड द मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्नेड मेल एज द लीडर। अब ये नमाज अदा जो है ये कौन करवाते हैं, तो नमाज अदा करवाने का काम करते हैं इमाम। जिस तरह से हिंदू संस्कृति में ब्राह्मण होते हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं, पंडित होते हैं, ठीक इस तरह से मुस्लिम्स में, इस्लाम धर्म में जो लर्नेड मेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो नमाज अदा करवाते हैं, इमाम होते हैं और वो प्रेयर करते हैं। एंड ही ऑल्सो डिलीवर द सरमान। तो सरमान को क्या कहते हैं, खुतबा। तो यहाँ पर खुतबा का मीनिंग भी आपको लिख के रखना है कि खुतबा मीन्स व्हाट, नमाज मीन्स व्हाट और इमाम कौन है, हु इज इमाम। तो इमाम एक लर्नेड मेल है फॉर द रिचुअल्स ऑफ द प्रेयर्स इन द इस्लाम
अच्छा, इसके बाद में और एक मॉस्क के बारे में इस बुक में दिया हुआ, दैट इज बेगमपुरी मॉस्क। तो बेगमपुरी मॉस्क जो है बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बेगमपुरी मॉस्क बनाया गया, जहां पर ना द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड ही न्यू कैपिटल इन दिल्ली। तो जब उन्होंने न्यू कैपिटल दिल्ली में बनाया तो उसके साथ साथ बेगमपुरी मॉस्क भी बनाया गया। अब इसके बाद और एक पॉइंट यहां से आपको लिखना है, दैट इज किबला। सो व्हाट इज किबला, किबला क्या है? तो ड्यूरिंग प्रेयर्स मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। तो प्रेयर के टाइम पे मुस्लिम्स लोग जो है मक्का के तरफ में, यानी जिस डायरेक्शन में उनके जगह पे मक्का पड़ता है, तो वहां पर लोग जो उसी डायरेक्शन में पूजा करते उस साइड को फेस करके, या नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट। तो इंडिया में ये जो साइड पड़ता है आपके वेस्ट में पड़ता है, तो इंडिया दिस इज टू द वेस्ट। इन इंडिया में ये कौन से साइड में मक्का पड़ता है? मक्का पड़ता है वेस्ट में। सो दिस इज कॉल्ड द किबला, यानी जिस समय नमाज के टाइम पे मुस्लिम जिस साइड को फेस करते हैं, यानी वो कौन से साइड को फेस करते हैं? मक्का के साइड को फेस करते हैं, और मक्का के साइड को फेस करके वो प्रेयर अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो इसे कहा जाता है किबला। और इंडिया में ये कौन से साइड में पड़ता है? इंडिया में ये आपका पड़ता है वेस्ट साइड में। तो यहां से हमने बहुत सारे टर्म्स को पढ़ा, नमाज पढ़ा, और उसके साथ साथ ये भी पढ़ा कि मस्जिद कौन सा टर्म है। तो मस्जिद जो है वो अरेबिक टर्म है, और इसके साथ साथ हमने दो इम्पॉर्टेंट मॉस्क के बारे में भी जाना कि किसने बनाया और कब बना और क्या डेवलपमेंट हुआ। अब आगे जो है, जिस तरह से आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि चोलास ने टेम्पल्स बनाया, सो चोला टेम्पल्स वर द हब ऑफ सो मेनी एक्टिविटीज, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो ये चोला टेम्पल्स जो है इन सारे एक्टिविटीज के हब के रूप में या न्यूक्लियस के रूप में माना जाता था। तो यहाँ पर आपने ये भी क्वेश्चन पढ़ा कि व्हाई डिड दीज टेम्पल्स वर मेड, व्हाई डिड रूलर्स वर मेड द टेम्पल्स। ज्यादा से जितने भी रूलर्स थे उन लोगों ने टेम्पल्स बनाने पर ज्यादा ध्यान क्यों दिया। तो ठीक इस तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सुल्तान्स ने भी आकर के बहुत सारे, यानी जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर बसा तो उन लोगों ने, सुल्तान लोगों ने भी बहुत ज्यादा मॉस्क बनाए सिटीज में। सो बिल्ड सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। पूरे भारतवर्ष में उन लोगों ने जो है मॉस्क बनाए। सो दीज डेमोन्स्ट्रेट, तो व्हाई डिड दे बिल्ड, Why did Delhi Sultans built mosque? यहां से क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, Why did Delhi Sultans built several mosque in cities all over the subcontinent? So these demonstrate, actually they built the mosque because these demonstrate their claims to be protector of Islam and Muslims. तो ये बताता है मॉस्क बनाकर के उन लोगों ने जताया लोगों के कि वो किसके संरक्षक है, वो इस्लाम और मुस्लिम धर्म के संरक्षक है। तो इसलिए जो है उन लोगों ने यहाँ पर मॉस्क बनाया ताकि लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया जाए, जो लोग भी इस्लाम को लेकर चलते हैं, ठीक है। और इस तरह से जैसे चोला टेम्पल्स में क्या था, रूलर्स लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते, क्योंकि रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ठीक इस तरह से यहाँ इस्लामिज्म में भी आपको मिल रहा है कि दिल्ली सुल्तान्स भी जो है उन लोगों ने सब कॉन्टिनेंट में जो है बहुत सारे मॉस्क बनाए। उसके पीछे रीजन ये था कि वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, लोगों को दर्शाना चाहते थे कि वो प्रोटेक्टर है किसके, इस्लाम एंड मुस्लिम्स के। सो एंड इसके अलावा मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। यानी मॉस्क और एक सेंस क्रिएट करती है, एक ही रिलीजन सिस्टम को मानकर चलने वाले लोगों के अंदर एक कम्युनिटी क्रिएट करती है, एक विश्वास क्रिएट करती है। तो ये सारा काम मॉस्क के थ्रू किया गया। एंड इट वॉज नेसेसरी टू रिइंफोर्स दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड। और ये इसलिए जरूरत थी क्योंकि मुस्लिम्स लोग जो है वो वेराइटीज ऑफ बैकग्राउंड से आए थे, वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में कहीं जाकर के जन्म नहीं ली, बल्कि कई सारे अलग अलग जगह से लोग आकर के उन लोगों ने इस्लाम अपनाया और वो मुस्लिम बने। तो इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना भी बहुत जरूरी था, उनके सिस्टम को आगे बढ़ाकर लेके जाना भी जरूरी था। तो इसलिए जितने भी इस्लाम से रिलेटेड जो रूलर्स थे उन लोगों ने मस्जिद बनवाया। तो यहाँ पर है मौत की मस्जिद बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोधी। तो मौत की मस्जिद कहाँ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कौन से जगह पर मौत की मस्जिद बनाई गई।
और किसके टाइम पे, तो ये तो बता दिया सिकंदर लोदी, और इसके अलावा मॉस्कव जामली कामली बिल्ट इन द लेट 1520s। तो ये थे अबाउट द मस्जिद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को, इसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को स्टडी करेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद हम क्लास 7 के दूसरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा मस्जिद क्या है, और मस्जिद क्या टर्म है, मस्जिद एक अरेबिक टर्म है, इसके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने कुछ इम्पॉर्टेंट अरेबिक टर्म्स को भी स्टडी किया कि नमाज क्या है, खुतबा क्या है, किबला क्या है। तो स्टूडेंट, इन सारे पॉइंट्स को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि वन मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ये सभी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप और एक क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा, दैट व्हाई डिड द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड सेवरल मॉस्क, दिल्ली सुल्तान्स ने सेवरल मॉस्क क्यों बिल्ड किया। इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में भी कीजिएगा, ताकि आपको इससे जो है इस चैप्टर को रिवाइज करने में हेल्प मिले। और वीडियोस के तो हेल्प आपके पास है ही, जो आपको बार बार हेल्प करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे आपके स्टडी के लिए। तो आज इस टॉपिक में इतना ही, अगले टॉपिक में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ी है और एक साथ पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने से स्टूडेंट आप पजल्ड हो जाएंगे कि कब कौन सा पार्ट कंप्लीट करना है। तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको ये चैप्टर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको पूरे चैप्टर्स डिटेल में कंप्लीट हो जाए, और साथ ही साथ आपको कोई स्ट्रेस ना हो, प्रेशर ना हो, और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। तो जाने से पहले स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे को भी बेनिफिट्स मिले। और अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।